स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के नया मोहल्ला इलाके में तड़के सुबह अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां स्थानीय नागरिकों के द्वारा पूरे मामले को लेकर फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा पाती तब तक घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं मकान मालिक नूर अपने ससुराल में था। जैसे ही स्थानीय नागरिकों के द्वारा उसे सूचना दी गई तो वह अपने मकान पर पहुंचा, जहां देखा कि उसका गृहस्थी का पूरा सामान और जेवर लाखों रुपए का जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे 3 दमकल के वाहन ने बामशक्कत आग पर काबू पाया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम हुआ, कहां का क्षेत्र है ये? नए मोहल्ले बंगाली मस्जिद के पास का है। मेरे को सुबह कॉल आया मोहल्ले के लड़कों का, मैं अपने ससुराल में था 4:30 बजे करीब, तो बोले आपके घर में नूर भाई आग लग गई है। तो मैं आया तो यहाँ पहले से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी 3, तो आधा एक घंटा बुझाई मिल लूंगा। टोटल लॉस हो गया सामान, आप देख लो जाकर। क्या क्या सामान था? पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, पूरा फर्नीचर डैमेज हो गया, ज्वेलरी डैमेज हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 4:30-4:45 की। आपका नाम? मेरा हैदर आयात खान नूर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।